अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 173, प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। लैला के सवाल पर अश्विन ने कहा, कबीर सर ने कहा है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनसे कॉल पर बात कर सकती हैं। तब लैला ने हाथों में वो फाइल पकड़े हुए ही जवाब दिया, हाँ ये सही रहेगा, मैं कबीर सर से ही बात कर लेती हूँ। कहकर उसने दूसरे हाथ से कॉर्डलेस उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में चली आई। फिर उसने कबीर का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से कॉल पिक किए जाने का इंतजार करने लगी। 2-3 रिंग के बाद ही कबीर ने फोन उठा लिया था। हेलो कबीर सर, लैला ने अभी इतना ही कहा था कि कबीर ने जवाब दिया, हाँ मिस लैला, बोलो, मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगी। लैला ने कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो सहगल साहब की फिल्म के हैं और मैंने तो उस फिल्म के लिए मना कर दिया था। तब कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सहगल की फिल्म के लिए तुमने तब मना किया था जब तुम्हें सुहाना की फिल्म करनी थी, और अब जब सुहाना की फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें ये फिल्म साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर लैला कुछ और हैरान हो गई। लेकिन आपको ये कैसे पता कि सुहाना की फिल्म पोस्टपोन हो गई है? उसने उलझन भरे लहजे में पूछ तो लिया था, लेकिन अपनी इस बेवकूफी भरे सवाल पर उसे खुद पर ही खींच उठने लगी। कबीर का जवाब और रिएक्शन दोनों एक्सपेक्टेड थे। ओह कम ऑन लैला, मुझे तुमसे इस बचकाने सवाल की उम्मीद नहीं थी। मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, कौन से डायरेक्टर के साथ क्या हो रहा है और कौन सा प्रोड्यूसर क्या करने जा रहा है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कबीर का जवाब सुनकर लैला ने धीरे से कहा, हाँ मैं ये क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि आप कबीर हैं, कबीर कपूर। लैला की बात सुनकर कबीर ने प्राउड भरे लहजे में कहा, बस अब इसके बाद किसी सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इतनी बातें करके उसने आगे कहा, अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लो, और हाँ पहले उसे अच्छे से पढ़ना मत भूलना। एक बार ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए तो फिर हम जल्दी से शूटिंग भी शुरू कर लेंगे। चलो रखता हूँ, बाय। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके बाद लैला कॉन्ट्रैक्ट पेपर और कॉर्डलेस दोनों ही हाथों में थामे हुए हॉल में आ गई। उसके दिमाग में अभी भी कबीर की बातें गूंज रही थी। हॉल में आकर उसने रिसीवर रखा और फिर अश्विन के सामने वाले सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, वाकई कबीर सर को मानना पड़ेगा, हर एक चीज की खबर रहती है उन्हें। अश्विन ने अपनी आदत के मुताबिक उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि लैला ने वो पेपर साइन करके उसे वापस कर दिए। अश्विन पेपर लेकर वापस चला गया तो लैला बरबस ही कबीर के बारे में सोचने लगी। कैसे हर बार मुझसे पहले मेरी हर परेशानी के बारे में कबीर सर को पता चल जाता है, और ना सिर्फ पता चल जाता है बल्कि वो मेरी उस परेशानी का हल भी ढूंढ निकालते हैं। इतने सारे एहसान उनके मुझ पर जमा होते जा रहे हैं कि मैं चाहकर भी कभी उनका बदला नहीं चुका पाऊंगी। सोचते हुए लैला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मारिया ने उसके लिए कॉफी लाकर दी तो जैसे उसे कुछ याद आया, उसने जल्दी जल्दी कॉफी के घूंट भरते हुए कहा, मुझे ना आज बहुत सारे काम के लिए बाहर जाना है मारिया, इसीलिए मैं जल्दी से निकलती हूँ। मारिया ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर धीरे से कहा, सुजॉय सर से भी मिलती आइएगा। लैला ने एक नजर उसे मुस्कुराकर देखा और फिर कहा, मेरी जिंदगी में उनके अलावा भी बहुत सारे काम है मारिया, वो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दीजिए। एक अलग बात है कि आज मुझे पाहुजा मैंशन जाना है, लेकिन सुजॉय सर से नहीं बल्कि पाहुजा सर से मिलने के लिए। इतना कहकर उसने कॉफी फिनिश की और तैयार होने के लिए चली गई। घर से निकलकर लैला अशोक खन्ना के यहाँ पहुंची तो दोपहर होने को थी। वॉचमैन ने एक बार फिर से लैला को देखते ही उसे पूरी इज्जत के साथ अंदर पहुंचाया और फिर उसके बाद एक मेड ने उसे हॉल में बिठाते हुए कहा, आप इंतजार कीजिए, सर थोड़ी देर में आते ही होंगे। कहकर वो वहां से चली गई तो लैला की नजरें इधर उधर होती हुई दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जा टिकी। इस तस्वीर में अशोक के साथ खड़ी लड़की लैला को काफी जानी पहचानी सी महसूस हो रही थी।
लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस लड़की को कहां देखा है। अभी वो तस्वीर के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अशोक ने हॉल में कदम रखते हुए कहा, ओ मिस लैला, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। वैसे बहुत बहुत बधाई हो। मैंने सुना कि हंसराज जी ने उन जूनियर आर्टिस्ट के सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। लैला ने उसे देखते ही खड़े होते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर बोली, जी मैं इसी के लिए आपका धन्यवाद करने आई हूँ। कहते हुए उसने साथ लाया हुआ मिठाई का डब्बा अशोक की तरफ बढ़ा दिया। अशोक ने उसे थामते हुए कहा, अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मिस लैला। दबे कुचले तबके के लिए हम ये संपन्न लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें उनका हक बराबर से मिल सके। आप प्लीज बैठिए ना। कहकर उसने लैला के सामने वाली चेयर पर खुद भी बैठते हुए आगे कहा, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि हंसराज जी मेरी बातों को इतना वैल्यू देंगे, लेकिन यहाँ पर रिंकी की पहुंच काम आ गई। अशोक की बातें सुनते हुए लैला की नजरें बार बार दीवार पर टंगी उस तस्वीर की तरफ उठी जा रही थीं, जिसे अशोक की नजरों ने भी बखूबी पहचान लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी यही है रिंकी, मेरी वाइफ। रिंकी बहुत ही शानदार पर्सनालिटी की मालिक है, कई सारी एनजीओ का खास चेहरा भी है, इसीलिए हंसराज जी पर दबाव अच्छा बनाया उन्होंने। जब ही हंसराज जी इतनी आसानी से तैयार हो गए। रिंकी अभी बंबई से बाहर है, वरना आपसे मिलकर उसे भी बहुत खुशी होती। अशोक कहे जा रहा था, लेकिन लैला की सोच बस रिंकी के नाम पर ही टिकी हुई थी। रिंकी, उसने मन ही मन उस नाम को कई बार दोहराया और फिर उसके बाद उसे वो सब कुछ याद आ गया जो उस नाम से जुड़ा था। रिंकी के बारे में याद आते ही वो अचानक से उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर अशोक का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए बोली, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। अशोक उसकी हड़बड़ाहट देखकर कुछ हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ मिस लैला, आप ऐसे अचानक से क्यों जा रही हैं? प्लीज बैठिए ना, अभी चाय बनकर आती ही होगी। लेकिन लैला ने जल्दी से कहा, वो एक्चुअली मुझे यहाँ से कहीं और भी जाना है, इसीलिए चाय फिर कभी सही। अशोक को उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन वो उसे कहता भी तो क्या। वो उसे छोड़ने मेन गेट तक आया और बोला, कभी प्रोग्राम बनाते हैं, मैं आपको रिंकी से मिलवाऊंगा, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। इनफैक्ट उसने कहा कि वो आपकी यूनियन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है, ताकि आगे अगर कभी उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत पेश आए तो वो लोग बाकायदा एक रोड मैप तैयार करके उनके लिए काम कर सके। यूनियन के लिए सर्व करके उसे भी खुशी मिलेगी। लैला ने टालने वाले अंदाज में जल्दी से कहा, जी जरूर, और फिर वहां से तेजी से निकल गई। लैला की सांसें तेज तेज चल रही थी। टैक्सी में बैठकर पाहुजा साहब के घर की तरफ जाते हुए उसके जहन में बस एक ही नाम कौंध रहा था, रिंकी, रिंकी, रिंकी। उसने जैसे मन ही मन में खुद से कहा, लोग सही कहते हैं, इंसान हर एक चीज से पीछा छुड़ा सकता है, मगर अपने अतीत से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता। वरना क्या मतलब था, क्या जितने सालों बाद रिंकी मुझे अशोक खन्ना की बीवी के रूप में मिलती। और मुझे भले ही देरी हो गई उसे पहचानने में, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि रिंकी मुझे पहचानने में एक मिनट की भी देरी नहीं लगाएगी। और तब मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं कैसे यहां तक पहुंच आई, क्योंकि नंजी से मेरी शादी की खबर तो उसे भी मिली ही होगी ना। लैला रास्ते भर यही सोचती रह गई, यहाँ तक कि टैक्सी ने उसे पाहुजा मैंशन तक छोड़ दिया। उसका मन रिंकी के बारे में जानकर इतना ही खिन्न हो चुका था कि अब उसे पाहुजा साहब से मिलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब यहाँ तक आकर वापस लौट जाना भी उसे सही नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने वापस लौटने का इरादा कैंसिल करके पाहुजा साहब से मिल ही लेना तय किया। पाहुजा साहब उसे पार्किंग से सटे लॉन में ही नजर आ गए। लैला को देखते ही उनका चेहरा खिल सा गया। लैला ने उनके पास आते ही उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा तो पाहुजा साहब ने जवाब देते हुए कहा, आओ लैला बैठो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लैला ने बैठते हुए कहा, मुझे भी आपका फोन आने के बाद कुछ ज्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी हड़बड़ी में मुझसे मिलना चाह रहे हैं। पाहुजा साहब ने एक हल्का सा ठहाका लगाते हुए कहा, हड़बड़ी तो इस वजह से थी
कि आज लतिका शहर से बाहर गई हुई है, इसीलिए हम लोग आराम से यहाँ बात कर सकते थे, वरना किसी और दिन मिलने के लिए तो फिर मुझे बाहर निकलना पड़ता। अच्छा, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये बात थी। खैर, अब बताएं ना सर कि ऐसी क्या बात थी। बाहुजा साहब ने तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पर मैंने सुलोचना से बात की थी। बाहुजा साहब के मुंह से सुनते ही लैला का चेहरा मारे खुशी के खिल उठा। उसने बेयकीनी से कहा, क्या सच में? बाहुजा साहब ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और उसे यकीन दिलाते हुए बोले, हाँ हाँ बिल्कुल सच में। उसने तुम्हें शुक्रिया कहा है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने इतने सालों बाद उससे फोन पर बात की। ये सुनते ही लैला कुछ सीरियस होते हुए बोली, तो क्यों नहीं की थी इतने सालों में उनसे आपने कोई बात? इस सवाल ने बाहुजा साहब को नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, कुछ बातें ऐसी होती हैं लैला बेटा कि जिन्हें जुबान से बोलकर समझाया नहीं जा सकता। मेरे और सुलोचना के बीच आई इस दूरी की भी एक ऐसी ही वजह है। मुझे खुशी इस बात की है कि सुलोचना के मन में मुझे लेकर कोई ऐसी शिकायत नहीं, और इस एक बात का बोझ मेरे कंधे से उतर जाना मेरे लिए कितनी सुकून की बात है मैं बता नहीं सकता। लैला ने महसूस किया कि ये सब कहते हुए बाहुजा साहब के चेहरे पर एक अजीब तरह का सुकून था। अगली सुबह लैला की आंखें कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई थी। उसने मारिया के कमरे में झांक कर देखा तो वो अब तक सो रही थी। वो वहां से सीधे किचन में चली आई। अपने लिए कॉफी बनाकर अब वो कॉफी का मग थामे अपनी फेवरेट जगह पर आ खड़ी हुई थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुजरा हुआ दिन लैला की नजरों के सामने किसी फ्लैश की तरह गुजर रहा था। अभी उसने कॉफी के दो चार घूंट ही भरे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। उसने चौंकते हुए कमरे में कदम रखा और साथ ही साथ घड़ी पर भी नजर डाली। अभी 5:30 ही बज रहे थे। न जाने क्यों धड़कते दिल ने जैसे पहले ही गवाही दे दी थी कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। उसने कॉफी का मग हॉल में टेबल पर रखा और दरवाजा खोल दिया। लैला का शक सही था, सामने कोई और नहीं बल्कि सुजॉय ही खड़ा था। लैला ने मुश्किल से अपने होठों को मुस्कुराने से रोका और एकदम सीरियस एक्सप्रेशंस देते हुए बोली, आप इस वक्त? सुजॉय के चेहरे पर एक खिली हुई सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, अंदर आने नहीं कहोगी? लैला जो एकटक उसका चेहरा तके जा रही थी उसने जल्दी से पलके झपकते हुए कहा, हाँ आइए ना। अंदर आकर सुजॉय ने अपने पीठ की तरफ मोड़े हुए हाथ को आगे किया। लैला की नजर उसकी मुट्ठी में थमे व्हाइट ऑर्किड वाले छोटे से बुके पर पड़ी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर लैला के सामने करते हुए कहा, वॉक पर निकला था, वहीं फ्लावर्स वाले के पास ये दिख गया तो मुझे लगा कि एक पन दो काज कर लेता हूँ। लैला ने न चाहते हुए भी हाथ बढ़ाकर वो बुके थामते हुए थैंक यू कहा और फिर बोली, कैसे दो काज? तब तक सुजॉय वहीं हॉल में सोफे पर बैठ चुका था। सामने टेबल पर रखा कॉफी का मग देखकर उसने बेसाख्ता ही वो कप उठा लिया और फिर होठों से लगाते हुए बोला, अभी बहुत तलब लग रही थी इसकी, थैंक्स। लैला ने एकदम से उसके पास जाकर मग छीनना चाहा। सुजॉय साहब, वो झूठी कॉफी थी मेरी। तब तक सुजॉय एक लंबी घूंट भर चुका था। उसने जल्दी से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे झूठे से। हाँ, तुम्हारे हिस्से की कॉफी चली गई तो तुम इस पर गुस्सा कर सकती हो। लैला ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए उसके ठीक सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, आपने बताया नहीं कि मुझे फ्लावर्स देने के अलावा और कौन सा दूसरा जरूरी काम था? सुजॉय ने कॉफी का अगला सिप लेते हुए कहा, तुम्हें याद है कि इस बिल्डिंग की पार्किंग में एक कार तुम्हारी भी खड़ी है? सुजॉय ने जैसे ही कहा तब लैला को भी ध्यान आया, शिमला से वापस आकर उसने ड्राइविंग सीखने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से कल सुजॉय उससे नाराजगी की हालत में गया था, आज उसे वापस से अपने फ्लैट के दरवाजे पर देखकर लैला हैरान थी। वरना वो जिस सुजॉय पाहुजा को जानती थी वो ये कतई नहीं होने दे सकता था।
अपनी ईगो हर्ट होने के बाद से दोबारा से उसी जगह पर आना, ये सुजॉय का अंदाज तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी लैला सोच ही रही थी कि तभी सुजॉय ने कॉफी की आखिरी घूंट भरी और एकदम से उठते हुए कहा, तो चले वरना पार्किंग में यूं खड़ी नई नई कार को जंग लगते देर नहीं लगेगी। लैला उसे एकटक देखते हुए धीरे से बोली, मैं जानती हूं सुजॉय साहब, ये आप नहीं हैं। फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे इतने बुरी तरह से पेश आने के बाद भी? क्या सुजॉय एक बार फिर से अपने तर्क देकर लैला को उसके साथ ड्राइविंग सीखने पर राजी कर लेगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।